I've just come to enjoy and bless her that she has a wonderful life ahead of her. I'm so happy and I'm so glad finally I met somebody whom I truly love, and he's a sweetheart. Wo thoda sa camera shy hai, but he's a sweetheart. He respects me and he respects my work as well. And finally we made it, you know, we did it. It was difficult, you know. His parents are in Patna, he's in Delhi, I'm in Bombay. Oh my god, our whole geography hila hua hai. But finally we did it, you know, I'm so glad. He's performing. I'm glad he's doing it for me. Yeah. I was telling Praveen for a long time that, baby, you know, let's do something. So I'm glad he's dancing for me. Praveen doesn't dance. Yeah, he's a non-dancer. सबसे पहले performances miss नहीं कर चुके हैं. अभी half बाकी है और हम excited हैं क्योंकि सुरभि जी की शादी है. अरे फ्रेंड्स तो हमेशा एक्साइटेड होते हैं और जो स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं जो सखियाँ होती हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं. तो भले ही मैंने सारे डांस रिहर्सल्स नहीं किए हैं और मे बी मैंने कोई स्पेशल डांस नहीं प्रैक्टिस किया है, लेकिन शायद कुछ स्पेशल मैं कर दूँ अपनी तरफ से सुरभि को एक्साइटेड करने के लिए. मे बी उसको मैं सरप्राइज कर सकती हूँ. इतने शादियाँ टीवी पे कर चुकी हूँ बट अभी रियल लाइफ में पहली बार कर रही हूँ और एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है कि बेटा यहाँ पर ना कोई रीटेक नहीं है. मेरी एंट्री और प्रवीण की खुद की एंट्री, सबका ये प्लान प्रवीण और मेरी फैमिली का था. इनफैक्ट जब ये डिसीजन हो रहा था ये सब करने का, मैं आई वाज क्वाइट, यू नो, मैंने कहा यार मैं सीरियल में तो सब बहुत करती हूँ, बट आई वाज सो, दैट्स व्हाई मैं बहुत चिल थी. लेकिन प्रवीण वाज, यू नो, गंग हो अबाउट इट एंड नहीं तुम्हारी एंट्री ऐसी होगी और मेरी एंट्री ऐसी होगी और हम कलश में जयमाल करेंगे एंड ऑल. हम सबको इंतज़ार था कि सुरभि की शादी हो जाए और आज वो फाइनली मौका आया है. इतनी खुशी की घड़ी है. सुरभि को मैं अपने फैमिली की तरफ से और सारे मित्र परिवार की तरफ से सुरभि को और उनके पति प्रवीण जी को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ.